डेटा साइंटिस्ट विद नो डेटा, नो सच थिंग। हाँ सही बात है, ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हो और आपका डेटा से ही लेना देना ना हो। अगर हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे किसी कंपनी का हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो हमें डेटा की ज़रूरत होती है और हमारे पास डेटा होता है। और इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, क्योंकि मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम्स एक स्टेज के अंदर की जाती हैं, तो इसलिए डेटा का अमाउंट सेवरल GB से ऊपर नहीं जाता है। अगर आप रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो शायद आपका डेटा कहीं GBs या TBs को भी पार कर जाए और कहीं पिकाबाइट्स को भी पार कर जाए, जो कि होता है आमतौर पर, बट आपको पर्सनल यूसेज में इतने बड़े डेटा सेट की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार हार्डवेयर की लिमिटेशन के कारण, जो हमारी लोकल मशीन्स के ऊपर हार्डवेयर है वो उतना अच्छा नहीं है कि इतने कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स आप उस पर बना पाएँ, इसलिए आपको क्लाउड सर्विसेज की हेल्प लेनी पड़ती है। और क्लाउड सर्विसेज कुछ तो सस्ती हैं, कुछ फ्री भी हैं और कुछ काफ़ी महंगी हैं। तो क्लाउड सर्विसेज के ऊपर नहीं है ये वीडियो, ये वीडियो है कि आप अपने डेटा को मैनेज कैसे करें, कहाँ पे उसको स्टोर करें, कहाँ पे उसको आप और अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक कैगल प्रोफाइल है तो वाई नॉट आप अपना डेटा कैगल को ही दे दें और कैगल के ऊपर प्राइवेट कर लें, अगर आपको उस डेटा को पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराना है। तो आइए सीखते हैं कि किस तरह से एक नया डेटा सेट आप कैगल के ऊपर बना सकते हैं। और इस डेटा सेट को बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कैगल के बारे में। अगर आप यहाँ पे इस वाले टैब पे, जो यहाँ पे टैब है, मैं इसको कट करके दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे अपने आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पाएंगे। इसमें अगर आप नीचे जाएँ तो यहाँ पे कोटा की जो बार्स हैं इसमें देखिए, आपके पास प्राइवेट डेटा स्टोर करने के लिए कैगल 100 GB तक का स्पेस देता है। मेरा 10.2 GB इस्तेमाल हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा डेटा सेट मैंने अपलोड करा था। आपकी नोटबुक्स में GPU का यूसेज 36 घंटों का है और TPU का यूसेज 30 घंटों का है, जो कि हर हफ्ते रिन्यू होता रहता है। ये डेटा सेट अगर आपने एक बार अपलोड कर दिया तो आपके प्राइवेट के अंदर रहेगा जब तक आप इसे प्राइवेट रखें, बट अगर एक बार आप इस डेटा को पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं तो आपको आपके इस कोटा में से वो जगह खाली हो जाएगी, आप नए डेटा को डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं अगर आप आपको दिखा देता हूँ आपको करना क्या है। आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है, डेटा सेट वाले टैब पर क्लिक करना है, यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा ब्लू बटन है न्यू डेटा सेट, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ये एक पूरा टैब खुल जाएगा। तो सबसे पहले अपने डेटा को कुछ नाम दे दीजिए, तो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर इमेज, ओनली वन इमेज। और अपनी फाइल्स ब्राउज कीजिए, मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं बहुत छोटे में काम कदम करूँगा। तो मैं यहाँ से एक ये इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, डाउनलोड वन, इसको ओपन करता हूँ, ये कुछ ही सेकंड में अपलोड हो जाएगी। और जैसे ही अपलोड हो जाएगी फिर हम इस डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटा सेट प्राइवेटली क्रिएट होगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्रिएट बटन दबाऊँगा ये डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा और सक्सेस, गो टू डेटा सेट। अब ये देखिए जरा, ओनली वन इमेज, सॉरी वाई को इग्नोर कर दीजिएगा, स्पेलिंग मैंने देखी नहीं। तो आपके पास अभी प्राइवेट डेटा सेट आ गया, इसके ऊपर आप कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस डेटा सेट को यूज़ करके आपको कुछ रिसर्च करनी है तो नोटबुक्स पैनल में जाइए इस डेटा सेट के और न्यू नोटबुक पे क्लिक कीजिए और आपके पास एक पूरी अच्छी वाली जुपिटर नोटबुक खुल जाएगी और उसके अंदर आप अपना काम कर सकते हैं। और उस जुपिटर नोटबुक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट्स के अंदर क्या होगा, आपका जो आपने डेटा सेट अपलोड करा है वो पहले ही प्रेजेंट होगा। तो ये डाउनलोड इमेज है, इसका पाथ एक्सेस करके आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिक पावर क्या है इस चीज़ की। तो मैं दो टैब पीछे जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि जो मैंने पहले ही डेटा सेट्स यहाँ पर डाल रखे हैं वो कैसे हैं। अपनी टैब अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ, स्टेप्स मैंने काटे नहीं है ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे देखने में। डेटा सेट पर जाइए और डेटा सेट पर जाके आप देखिए मैंने प्राइवेटली कितने डेटा सेट अपलोड कर रखे हैं। मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेटा सेट अपलोड कर रखे हैं, जिसमें से काफ़ी सारे तो 1-1 इमेज के डेटा सेट हैं। इमेज प्रोसेसिंग का बस एक डेमो या रिहर्सल करनी थी मेरे को, इसलिए मैंने वो देख करे। पर ये एक डेटा सेट है स्काई फाइंडर डेटा सेट, जो पब्लिकली अवेलेबल है बाहर भी, और इसको रिफाइन किया था मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर। तो मैंने यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश की है, अभी तक मैंने इसको पब्लिक नहीं करा है। ये डेटा सेट जो है उसके अंदर 58,000 से ज़्यादा इमेजेस हैं स्काई की और ग्राउंड की, और उसके अंदर से हमें स्काई पिक्सल को सेगमेंटाइज करना है। ये इस डेटा सेट की बेसिक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। बट
इसको पब्लिक करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक पब्लिक डेटा सेट तभी अच्छा है जब उसको देख के लोग समझ पाएं कि उसमें है क्या। तो इसके लिए कैगल ने आपको कुछ पॉइंट्स बोल रखे हैं, अगर आप वो सब करेंगे तो शायद आपका पब्लिक डेटा सेट अच्छा लगे। तो एक सबटाइटल डाल देना, कुछ अच्छे टैग्स डाल देना ताकि इसकी इस डेटा सेट की रीच बढ़े, एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना जो मैंने अभी तक नहीं करा है, एक इमेज अपलोड कर देना जो ये वाली इमेज है बैकग्राउंड इमेज, जिसको आप चैनल आर्ट भी बोल सकते हैं अगर आप यूट्यूब से इसको रिलेट करें। ऐड फाइल इन्फॉर्मेशन, अलग अलग फाइल्स की इन्फॉर्मेशन देना जो डेटा सेट के अंदर अवेलेबल है। एक लाइसेंस स्पेसिफाई करना कि क्रिएटिव कॉमन्स है या नहीं है, इसको कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पे नहीं कर सकते, और प्रेफर्ड फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करना, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स फाइल फॉर्मेट्स मत दे दीजिए, ऐसे फाइल फॉर्मेट्स जो शायद खुल ही ना पाए, उनके ऊपर काम करना जुपिटर नोटबुक में कॉम्प्लेक्स हो, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर कोई जल्दी से काम नहीं करेगा, आपका डेटा सेट फालतू हो जाएगा। फिर स्पेसिफाई प्रोविनेंस, स्पेसिफाई अपडेट फ्रीक्वेंसी, पब्लिशर नोटबुक। एक नोटबुक दे देने से ये होता है कि उस नोटबुक के अंदर आप बता सकते हैं कि इस डेटा सेट को एक्सेस करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली अपने व्यूवर्स को आप बोल रहे हैं कि आप इस डेटा सेट को ऐसे ऐसे एक्सेस करिए। तो इसी डेटा सेट के नोटबुक पैनल में गया मैं, वहाँ पर नोटबुक पर क्लिक करा और मैंने अब यहाँ पर एक नया डेटा सेट क्रिएट कर दिया, और उसके इनपुट के अंदर आप देखें तो 10.14 GB का डेटा है ये, और इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर दो फोल्डर्स हैं, एक इमेज और एक मास्क। इमेज के अंदर सारी इनपुट इमेजेस हैं, अगर इनपुट इमेज यहाँ पे खुलती है तो मैं दिखाता हूँ, देखिए ऐसी कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे, और इसी इमेज का मैं मास्क खोल के देखता हूँ, इसी इमेज का खुलेगा किसी का खुलेगा, पर क्योंकि मैं फाइल ब्राउज़र में देख रहा हूँ, अगर मैं कोड में काम करता तो शायद आपको और अच्छा दिखता, बट उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस इमेज का मास्क, हाँ इसी इमेज का खुला है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है जिसमें ये वाला सेक्शन स्काई का है और ये वाला ग्राउंड का है, इसमें वाटर भी है बट वो भी ग्राउंड में ही इंक्लूडेड होगा। तो मास्क में अगर आप देखें तो यहाँ पे स्काई के पिक्सल्स अलग हैं और ग्राउंड के पिक्सल्स अलग हैं। तो इसी तरह से इमेज और मास्क का पूरा सेक्शन है, इसके अंदर आप ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट वगैरह आप कुछ भी कर सकते हैं, वो सारी की सारी आपकी इच्छा है। मुझे बस ये समझाना था कि आप अपने डेटा को लोकल मशीन के ऊपर ना रखें, उसको कैगल के ऊपर अपलोड करें, क्योंकि कैगल आपको 100 GB तक का स्पेस देता है और 16 GB की रैम देता है, उसके अलावा GPU TPU सब आपको कैगल दे रहा है। तो ऑनलाइन काम करना इज मच 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 बेटर, क्योंकि अगर आप अपनी लोकल मशीन पे ही काम करते रहेंगे तो हो सकता है कि रैम क्रैश की प्रॉब्लम हो जाए या और भी कई तरह की प्रॉब्लम होती है, आपकी लोकल मशीन कभी फ्री नहीं होती, उसके ऊपर एक प्रोसेस कभी नहीं चलता। बट कैगल की एक नोटबुक के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो केवल आपकी उसी नोटबुक में यूटिलाइज होती हैं, इसलिए आप प्लीज़ इस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें ताकि आपका काम और अच्छी तरह से हो सके। इन नोटबुक्स को आप शेयर भी कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी नोटबुक बना सकते हैं, तो कितना अच्छा है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, डिप्लॉयमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तब आपको जाना पड़ेगा अपने ही लोकल मशीन पे, बट डेवलपमेंट स्टेज पे जहाँ पे आपको समझना है चीज़ें कैसे काम करेंगी, दिस इज़ द बेस्ट वे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अगली वीडियो में।